दही हांडी का उत्सव जो आज मुंबई में मनाया जा रहा है, वो एक तरह की छटा है जो भगवान के बाल रूप की लीलाओं को दर्शाती है। मुझे बताइए, क्या गोविंदा वहां पर मौजूद है? गोपियां आपने बताया, लड़कियां वहां पर मौजूद हैं, क्या वहां पर बच्चे भी मौजूद हैं? बिल्कुल, आप देख सकते हैं सारे बच्चे ही बच्चे हैं। और पथक तो गोविंदा पथक खेलने के लिए जो बच्चे आए हैं वो तो हैं ही। ये देखिए, ये एक बच्चा है, कितने साल उम्र है आपकी? 18, अरे 14। 14 साल की। कितने दिन से प्रैक्टिस कर रहे हो? 3 साल। अभी पहले ही है ना यहाँ पे जो आप बांदी फोड़ने आए हो? हाँ। ओके, तो ये बच्चे हैं और भी बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ तमाम। ये 14 साल की इनकी उम्र है और इसके अलावा बाकी बच्चे भी यहाँ खेल ही रहे हैं। ये एक टीम हो गई। इसके अलावा आप देख सकते हैं ब्लू टी शर्ट में एक दूसरी टीम भी यहाँ पर जो है। और इस तरह से बच्चों की भी बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जब घर बनते हैं, पिरामिड बनते हैं, तो सबसे ज्यादा जो वजनदार लोग होते हैं वो नीचे होते हैं, उनसे कम वजनदार वाले ऊपर और फिर ऊपर। ऐसे में सबसे जब 9वां या 10वां थर बनता है तो 12 साल 11 साल के बच्चों का ही थर बनता है, और आखिरी में 3 साल का बच्चा 2 साल का बच्चा 4 साल का बच्चा ऐसे ही किसी एक बच्चे को अच्छी खासी प्रैक्टिस दे करके। ये देखिए, एक भाई साहब याद घूम रहे, जरा पहनो 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 पहन पहन पहन। तो इस तरीके से हर कोई मस्ती मजाक करते घूम रहा है। ये देखिए यहाँ भी, तो इस तरीके से हर कोई जो है यहाँ पर बच्चा बड़ा बूढ़ा पहुंचा हुआ है। और स्पेशली जो अंत में सबसे ऊपर जो बच्चा चढ़ता है 3 से 4 साल। जी, कितनी टोलियां हैं ये बताइए यहाँ पर? आप घाटकोपर में मौजूद हैं। अच्छा, एक तो ये बता दूं कि मैं खुद घाटकोपर में रह चुकी हूँ अदिति, बहुत साल मैं यहाँ पर रही हूँ तो मेरी यादें ताजा हो गई हैं। अच्छा, कितनी टोलियां इन टोटल यहाँ पर हैं? कितनों का कंपटीशन चल रहा है? कितने फीट ऊंची जो हांडी है वो लगाई गई है वो बताइए जरा। देखिए, आपको बताएं कि जिस तरीके से जो यहाँ के आमदार राम कदम है, दही हंडी करते हैं, हमेशा ही पोस्टर बैनर पर लिखते हैं भारत की सबसे बड़ी दही हंडी। और नॉर्मली मुंबई की तो मान भी सकते हैं, क्योंकि सेलिब्रिटीज लगातार इस मंच पर चढ़ते रहते हैं। और जहां तक इस दही हंडी की जो हाइट है, हाइट लगभग 80 से 100 फीट के आसपास की ये पूरी की पूरी हाइट है। तो जाहिर है कि 100 फीट की हाइट फोड़ने के लिए दही हंडी के जो गोपाला पथक आएंगे वो बकायदा अच्छी खासी प्रैक्टिस करके आएंगे, और मुंबई के बड़े मंडल ही आएंगे, क्योंकि तमाम 200-300 लोग कम से कम जो है लगते हैं, क्योंकि पथक तो बनता ही है लेकिन उनको बचाने के लिए आसपास भी 50 से 100 लोग खड़े होते हैं। और जो जानकारी है उसके हिसाब से लगभग 18 जो बड़ी बड़ी टीमें हैं मुंबई की वो आने वाली है घाटकोपर के इस भव्य दही हंडी पतक को तोड़ने के लिए। और सभी अच्छे खासे प्रैक्टिस के साथ, इंश्योरेंस के साथ यहाँ मौके पर पहुंचने वाले हैं। फिलहाल 2 टीमें यहाँ पहुंची हुई हैं। फिलहाल जो है देखिए किस तरह से लोग अपनी खुशी जो है जाहिर कर रहे हैं, और इस तरीके से सब यहाँ पहुंचे हुए हैं। लेकिन खास बात यह है कि फिलहाल यहाँ पर अभी 2 टीमें पहुंची हुई हैं। पहली जो है वो ट्राई करने के लिए जा रही है, क्योंकि गोविंदा पतक अब तैयार हो चुका है, लेकिन अभी तक पहली बार ट्राई करना पिरामिड बनाकर। ये देखिए, तो पहली जो टीम है, बिल्कुल कौन सा वाग्जाई गोविंदा पतक। ओके, तो पहली टीम जो है वो पूरी तरह से तैयार है दही हंडी को ट्राई करने के लिए, और उसके बाद जो है दूसरी टीम भी यहाँ ब्लू कलर की आप देख रहे हैं, ये टीम जो है ये भी तैयार है। तो फिलहाल अभी पहली बार कोई पिरामिड बनाएगा, ट्राई करेगा तोड़ने के लिए, लेकिन हाइट अपने वीडियो जल्ले साहिल से कहना चाहेंगे एक बार दही हंडी की वो हाइट दिखाएं। और आप देख सक रहे किस तरह से क्रेन द्वारा दही हंडी जो है बिल्कुल ऊपर की तरफ सजाकर रख दी गई है। इस साल का अच्छे से इंतजार होता है, और दही हंडी के ठीक नीचे जो हम हमारी तरह जो लोग घूम रहे हैं बिल्कुल छोटे धर्मेंद्र, वो पिरामिड भी बनना शुरू हो गया, वो भी तस्वीरें जरा दिखाइए। पिरामिड की शेप ले रहे हैं वो तमाम गोविंदा, वो भी दिखाइए कितना परिश्रम लगता है, कितना बैलेंस की जरूरत है उसको भी करने में। ठीक है, आपके पीछे मैं देख पा रही हूँ। जी बिल्कुल, पिरामिड जो है अभी बन नहीं रहा है, ये सारे गोविंदा पथक है जो अपनी एनर्जी कायम करने के लिए डांस कर रहे हैं। और ये सब पथक इस तरह से डांस करना बनाकर इनके लिए बहुत आसान सा है, और हर कोई पथक पर डांस कर रहा है, और अभी प्रैक्टिस करनी शुरू हो जाएगी। पहला पथक अभी बना नहीं है लेकिन अपने आप को पुश कर रहे हैं, एनर्जी लेवल ला रहे हैं, डांस कर रहे हैं, और जैसे जैसे इनका खून गरमाएगा वैसे वैसे इनके जो जोश है वो बनता जाएगा, उत्साह बनता जाएगा।